आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मेट्रिसेस क्या होते हैं, आईएसओ 9000 क्या होता है, एसीआई कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल क्या होता है और सिक्स सिग्मा क्या होते हैं। ये सब फैक्टर्स हैं जो किससे एसोसिएटेड हैं, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी से। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी वह प्रॉबेबिलिटी होती है जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है फेलर फ्री ऑपरेशन फिक्स्ड एनवायरनमेंट में फॉर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या कहलाती है आपकी सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को इस तरह भी अपन परिभाषित कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट वर्किंग करेक्टली ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। किसी गिवन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में अगर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट करेक्टली वर्क कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी वो भी क्या कहलाती है आपकी सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। ठीक है, ये क्लियर है कि कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसमें बहुत सारे डिफेक्ट हैं वो अनरिलायबल है। अगर उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी को हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके डिफेक्ट्स को क्या कर दें, रिड्यूस किया जाए। सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी वो कंटिन्यूसली चेंज होती है टेस्ट पीरियड्स में। ठीक है, जबकि हार्डवेयर की रिलायबिलिटी क्या होती है, सर्टेन पीरियड्स में चेंज होती है। जैसे इनिशियल में कोई हार्डवेयर प्रोडक्ट आप लेते हो तो उसको शुरू में फेल होने की संभावनाएँ बढ़ती है और एंड में या काफ़ी साल तक आपने उसे यूज़ कर लिया तो फिर वियर एंड टीयर के कारण वो प्रोडक्ट में क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होने लगता है, डीके होने लगते हैं। तो हार्डवेयर की रिलायबिलिटी चेंज कब होती है, इनिशियल बर्न में या एंड ऑफ यूजफुल लाइफ में। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के लिए क्या है, रिलायबिलिटी बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे हार्डवेयर फेलवर है वो सॉफ्टवेयर फेलोर से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हार्डवेयर फेलोर क्यों होते हैं, कंपोनेंट के वियर और टीयर के कारण। हार्डवेयर फॉल्ट्स को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो रिप्लेस करते हैं या उस पार्ट को रिपेयर कर देते हैं जो भी पार्ट फेल हुआ है। लेकिन इसके विपरीत सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में क्या है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंटिन्यूसली फेल होता रहेगा जब तक कि उसके एरर को ढूंढा नहीं जाएगा और उसकी डिजाइन या कोडिंग में चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब किसी हार्डवेयर को रिपेयर किया जाता है तो उसकी रिलायबिलिटी को मेंटेन किया किस पे किया जा सकता है, उस लेवल पे मेंटेन किया जा सकता है जो कि फेलियर के पहले हुई थी, उसी लेवल पे वापस मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन सॉफ्टवेयर फेलियर में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी या तो बढ़ सकती है या कम हो सकती है। रिलायबिलिटी कम कब होगी, अगर मान लो कोई बग आपने रिपेयर की उसके कारण कोई नई बग सॉल्व उसके अंदर आ गई तो उसकी रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक बग को आपने ठीक किया उसके कारण क्या हुआ कि वो तो ठीक हो गई लेकिन उसके कारण क्या हुआ, दूसरी बग्स सॉफ्टवेयर में इंट्रोड्यूस हो गई। हार्डवेयर फॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिजिकल फॉल्ट होते हैं, और सॉफ्टवेयर फॉल्ट क्या होते हैं, डिज़ाइन फॉल्ट होते हैं जिसको कि विजुलाइज करना, क्लासिफाई करना, डिटेक्ट करना और करेक्ट करना मुश्किल कार्य होता है। ठीक है, अब दोनों को डिफरेंस करना, हार्डवेयर रिलायबिलिटी और सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में डिफरेंस करना सही नहीं लगता। ठीक है, उनको सेम वे में परिभाषित किया जाएगा तो हार्डवेयर रिलायबिलिटी और सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को कंबाइन करते हैं, उस दोनों कंबाइन करके क्या मिलती है आपके, सिस्टम रिलायबिलिटी। ठीक है, हार्डवेयर में नॉर्मली फेलवर जो होती है फिजिकली डिटोरिएशन के कारण होती है। रिलायबिलिटी मैट्रिक्स क्यों काम में आते हैं, क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करते हैं रिलायबिलिटी किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के, उसको रिलायबिलिटी मैट्रिक्स का उपयोग उनके लिए किया जाता है। पहला आता है मीन टाइम टू फेलवर। मीन टाइम टू फेलवर को इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि दो सक्सेसिव फेलवर के बीच में जो टाइम लगता है, इंटरवल लगता है, वो क्या कहलाता है, मीन टाइम टू फेलवर। ठीक है, मीन टाइम टू रिपेयर, एक बार कोई फेलवर आपको आ गई, ठीक है, तो उस एरर को आपको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो MTTR जो होता है, मीन टाइम टू रिपेयर क्या होता है, वो मेजर करता है उस एवरेज टाइम को कि उस एरर को ट्रैक कर लिया जाए जिसके कारण फेलोर हुई है और उसे रिपेयर कर दिया जाए, वो क्या कहलाता है, मीन टाइम टू रिपेयर। मीन टाइम बिटवीन फेलोर MTBR, अगर अपन मीन टाइम टू फेलोर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर को सम कर देते हैं तो
अपने को क्या कौन सा मेट्रिक मिल जाता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर। फोर्थ आता है रेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ फेलियर, ठीक है, ये क्या होती है नंबर ऑफ फेलियर्स अपेयरिंग इन ए यूनिट टाइम इंटरवल। किसी यूनिट टाइम इंटरवल में जो फेलियर नंबर ऑफ फेलियर ऑकर होती है वो क्या कहलाती है आपकी रेट ऑफ फेलियर ऑकरेंसेस ऑफ फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड POFOD इट इज, ये इसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी है, ये वह प्रोबेबिलिटी है कि सिस्टम फेल होगा जब कोई सर्विस उसको रिक्वेस्ट की गई उस टाइम वो फेल होगा, ठीक। और अवेलेबिलिटी लास्ट कौन सा था, रिलायबिलिटी मैट्रिक्स अवेलेबिलिटी, ठीक है। ये अवेलेबिलिटी क्या है, वो प्रोबेबिलिटी है कि सिस्टम इज एप्लीकेबल फॉर यूज एट ए गिवन टाइम, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ कंसिडर की जाती है, रिपेयर टाइम एंड रीस्टार्ट टाइम फॉर द सिस्टम। अगर किसी अवेलेबिलिटी 0.995, इसका मतलब क्या है कि 1000 times यूनिट को क्या किया रिक्वेस्ट किया है तो उसमें से 995 times वो क्या है अवेलेबल है, वो क्या 995 times क्या है अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है ISO 9000, ठीक है। ISO 9000 बेसिकली होता क्या है, सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, वो कंपनीज को ये डेवलप किए गए, ठीक है, ताकि वो क्या कर सकते हैं कि इफेक्टिवली डॉक्यूमेंट कर सकें क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट्स को। वो किसके लिए आवश्यक है कि ताकि इफिशियंट क्वालिटी सिस्टम आपकी कंपनी में बना रहे, ठीक है। ISO 9000 क्या कर सकते हैं कि मदद से क्या होता है कि कोई कंपनी सेटिस्फाई करती है कर सकती है अपने कस्टमर को, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकती है और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट कर सकती है, ठीक है। ये पहला स्टेप होता है या बेस होता है किसी क्वालिटी सिस्टम का, क्या होता है ISO 9000। क्यों लेते हैं भाई ISO 9000, ठीक है। ISO 9000 सर्टिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है, कि कंपनी है उसका कोई कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए ISO 9000 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कंपनी को क्या लेना पड़ता है कि कंपनी के मेजर कस्टमर है वो ये चाहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करें वो क्या होना चाहिए ISO 9000 होती है, ठीक है, क्योंकि वो कस्टमर ये चाहता है कि उसके जितने भी सप्लायर है, ठीक है, वो सर्टिफाइड हों। तो इसलिए आपको भी ISO 9000 सर्टिफिकेशन लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। अब कैसे, हाउ टू गेट ISO 9000 सर्टिफिकेशन, किस तरह से ISO 9000 सर्टिफिकेशन प्राप्त किया जाता है, इसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं। कुछ पहला होता है गेट टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट ये सोचता है कि अपने को ISO 9000 का रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अब क्वालिटी स्टीयरिंग कमेटी है उसके लिए मिलती है, प्रोसेस को इवेल्यूएट करती है, जो कमेटी है वो टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करती है कि ISO 9000 में कितनी कॉस्ट होगी, उसका शेड्यूल क्या होगा, ये सब उसको टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करती है, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट फिर कमिट करता है कि अपने को ISO 9000 रजिस्ट्रेशन को परस्यू करना। सेकेंड स्टेप होता है ट्रेन पर्सनल, ठीक है। बेसिक क्वालिटी और ISO 9000 ट्रेनिंग कंपनी में सभी एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब इसमें से कोई सेलेक्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं पर्सनल को, उनको क्या बनाया जाता है, इंटरनल ऑडिटर्स, क्या बनाया जाता है, इंटरनल ऑडिटर्स। थर्ड स्टेप होता है प्रिपेयर क्वालिटी पॉलिसी मैनुअल, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि ISO 9000 रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करना पड़ता है और अंडरस्टैंड करना पड़ता है, जो कि अपनी कंपनी में जिस तरह से एप्लीकेबल हो, कंपनी के विजन और मिशन को लिखो, बेसिक क्वालिटी पॉलिसी मैनुअल की आउटलाइन लिखो कि ये क्वालिटी हम बेसिक मेंटेन करेंगे। अब फिर इसके बाद कंप्लीट करेंगे फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ क्वालिटी पॉलिसी मैनुअल, ठीक है। फोर्थ स्टेप होता है प्रिपेयरिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करो बाई यूजिंग क्वालिटी मैनुअल एज ए गाइड, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्सिबल है फंक्शंस के लिए उनके प्रोसीजर्स बताइए, फाइन ट्यून करिए प्रोसीजर्स को, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को कंपेयर करेंगे क्वालिटी मैनुअल्स से कंसिस्टेंसी के लिए। फिफ्थ स्टेप है होल्ड इंटरनल ऑडिट, ठीक है। होल्ड करो इंटरनल ऑडिट ISO 9000 मैनुअल की वर्सेस ISO 9000 कंप्लायंस की,
इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शंस आइटम्स फ्रॉम ऑडिट, ऑडिट से जो करेक्टिव एक्शंस लेने आपको की आवश्यकता है उनको लीजिए। सिक्स्थ स्टेप होता है सेलेक्ट रजिस्ट्रार, ठीक है, रिसर्च रजिस्ट्रार एंड देयर कॉस्ट, रजिस्ट्रार्स की रिसर्च करो, उनको ढूंढो, उनकी कॉस्ट क्या लगेगी ये देखो, क्वालिफाई करो पॉसिबल रजिस्ट्रार कौन कौन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी रजिस्ट्रार्स को ढूंढिए। नेक्स्ट स्टेप होता है गो थ्रू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करिए, ऑडिट्स के लिए अप्लाई कीजिए, एग्री कीजिए ऑडिट प्रोसेस पे रजिस्ट्रार के साथ, प्री असेसमेंट ऑडिट कीजिए, कोई करेक्टिव एक्शन लेनी है तो लीजिए। 9000 रजिस्ट्रेशन ऑडिट है अगर आपके पास तो उसमें उसके अकॉर्डिंगली जो करेक्टिव एक्शन लेने हैं वो लीजिए, री ऑडिट करवाइए अगर आवश्यकता है तो, और कोई करेक्टिव एक्शन लेना है तो लीजिए। और लास्ट स्टेप होता है आईएसओ ऑब्टेन आईएसओ 9000 रजिस्ट्रेशन, ये वेरीफाई करता है कि आप अपने बिजनेस को किसके कंप्लायंस में कर रहे हो, आईएसओ 9000 रिक्वायरमेंट के कंप्लायंस के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आईएसओ 9000 शॉर्ट कमी, ठीक है, आईएसओ 9000 में कुछ कमियाँ होती हैं। पहली ये है कि ओनर और मैनेजर्स जो होते हैं उनको पर्याप्त अंडरस्टैंडिंग नहीं होती आईएसओ 9000 सर्टिफिकेशन प्रोसेस की, या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो आईएसओ 9000 क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और आईएसओ 9000 सर्टिफिकेशन की उनको खुद को जानकारी नहीं होती। दूसरा क्या है कि क्वालिटी सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए फंड की आवश्यकता रहती है, वो क्या होता है अपर्याप्त फंड होता है। तीसरी जो रिक्वायरमेंट रहती है शॉर्ट कमिंग रहती है आईएसओ 9000 की वो ये रहती है कि इसमें काफ़ी जोर दिया जाता है डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है, जो आईएसओ 9000 सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंटेशन जो होता है इंटरनल प्रोसीजर्स का कई एरियाज में उन पर काफ़ी ज़्यादा रिलाई करता है, ठीक है। और चौथी शॉर्ट कमिंग ये है कि जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव और ओनर्स हैं जो आईएसओ 9000 के प्रोसीजर से पहले से ही फैमिलियर हैं वो ये वार्न करते हैं कि ये ऐसा प्रोसेस है कि इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है, महीनों इसमें आपको लग सकते हैं इसको कंप्लीट करने में। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना एसीआई सीएमएम। सीएमएम क्या होता है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। एसीआई किसके लिए स्टैंड करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जो एसआई द्वारा दिया गया है सीएमएम कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल स्पेसिफाई करता है, बढ़ते हुए क्रम में लेवल्स बताता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या बताता है, इंक्रीजिंग सीरीज ऑफ लेवल्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जितना उसका लेवल हाई होगा तो उतना ही बेटर, मतलब वहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन हर लेवल पे पहुंचना एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें टोटल 5 लेवल्स होते हैं, पहला होता है लेवल 1 इनिशियल, ठीक है, इनिशियल लेवल में क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है वो उसको कैसा करेक्टराइज है, इनकंसिस्टेंट होता है और डिसऑर्डर्ड होता है, ठीक है, डिफाइंड प्रोसेसेस और स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो क्राइसिस के दौरान क्या फेल हो जाती हैं सब, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सक्सेस मेनली किस पर डिपेंड करती है, इंडिविजुअल एफोर्ट टैलेंट और उसके कार्य पे निर्भर करती है। लेवल 2 उसका होता है रिपीटेबल, ठीक है, इस लेवल पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ये लेवल होता है उस पर क्या होता है, बेसिक और कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस होते हैं जो किसको ट्रैक करते हैं, कॉस्ट शेड्यूल और फंक्शनैलिटी को, ठीक है, जो प्रोसेस इसमें प्लेस किया जाता है कि अर्लियर जो सक्सेस है उसको रिपीट किया जाए, प्रोजेक्ट सिमिलर एप्लीकेशन में इस तरह के जो प्रोजेक्ट काम में लिए थे उनमें जो सक्सेस मिली थी उसे रिपीट किया जाए। जो प्रोग्राम मैनेजमेंट है वो क्या है, की करेक्टरिस्टिक्स होता है लेवल 2 ऑर्गेनाइजेशन में। लेवल 3 ये डायग्राम में भी दिखाएंगे, 1 2 3 4 5, लेवल 3 कौन सा, डिफाइंड, यह सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो होते हैं मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ के लिए क्या होते हैं, डॉक्यूमेंटेड होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और इंटीग्रेट कर दिया जाता है इनको एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर प्रोसेस के रूप में, ठीक है, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए,
ठीक है। और जितने भी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करते हैं वो एक अप्रूव्ड टेलर्ड वर्जन काम में लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर का, प्रोसेस का डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए और मेंटेन करने के लिए उनको। Level 4 वो होता है मेजर्ड मैनेज, सॉरी, मैनेजमेंट कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इफर्ट यूजिंग प्रिसाइज मेजरमेंट्स। मैनेजमेंट इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इफर्ट्स को बाय यूजिंग प्रिसाइज मेजरमेंट्स। इस लेवल में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या सेट करता है, क्वांटिटेटिव क्वालिटी गोल सॉफ्टवेयर प्रोसेस के लिए और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस दोनों के लिए ही सेट करता है, ठीक है। इस मैच्योरिटी लेवल पे क्या होता है, जो परफॉर्मेंस होती है प्रोसेस की उसको कंट्रोल किया जाता है स्टैटिस्टिकल और दूसरे क्वांटिटेटिव टेक्निक से, ठीक है। और Level 5 होता है ऑप्टिमाइजिंग, ये बेस्ट लेवल होता है। इसमें क्या होता है कि की कैरेक्टरिस्टिक होती है इस लेवल की, इसमें फोकस किस पे किया जाता है, कंटिन्यूअली इंप्रूविंग प्रोसेस परफॉर्मेंस, लगातार इंप्रूव करें प्रोसेस परफॉर्मेंस थ्रू बोथ इंक्रीमेंटल एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। क्या है इसमें मेन फोकस किस पे किया जाता है, कंटिन्यूअली इंप्रूव किया जाए प्रोसेस परफॉर्मेंस को इंक्रीमेंटल और इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के साथ, ठीक है। ये आपके 5 लेवल हो गए सेट SEI CMM। नेक्स्ट आता है आपका 6 सिग्मा। 6 सिग्मा क्या है, ये प्रोसेस है प्रोड्यूसिंग हाई एंड इम्प्रूव क्वालिटी आउटपुट। मतलब आपको कैसा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए 6 सिग्मा स्टैंडर्ड फॉलो होता है, हाई और इम्प्रूव क्वालिटी आउटपुट के लिए। इसमें दो स्टेप्स होती है, दो फेजेस होती है इसकी, पहला आइडेंटिफिकेशन और दूसरी होती है एलिमिनेशन, ठीक है। जो कोई एरर है उसके कॉज को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और अप्रोप्रिएट एलिमिनेशन किया जाता है, ताकि उससे क्या होता है सारे प्रोसेस में जो वेरिएशन होता है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। 6 सिग्मा मेथड वह होता है जिसमें क्या है, 99.99% जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं उसमें सेम फीचर्स होते हैं और वो फिर एरर फ्री होते हैं। अब ये 6 स्टेप है इसके, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, मेथोडोलॉजिकल अप्रोच, फैक्ट एंड डाटा बेस्ड अप्रोच, प्रोजेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड फोकस, कस्टमर फोकस, टीम वर्क अप्रोच टू क्वालिटी मैनेजमेंट। ये 6 फीचर्स किसके हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है आपकी 6 सिग्मा की। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, अब 6 सिग्मा है वो डिराइव हुआ है ग्रीक लेटर क्वेश्चन मार्क से, वो किसको डिनोट करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिक्स में किसको बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन किस लिए काम में लिया जाता है, मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, आउटपुट की क्वालिटी को मेजर करने के काम में आता है। मेथोडोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है, 6 सिग्मा क्या है, सिस्टमेटिक अप्रोच है एप्लीकेशन की, DMAIC और DMADV में, वो किस लिए काम में आती है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए काम में आती है। DMAIC मतलब क्या है, डिजाइन मेजर एनालाइज इम्प्रूव एंड कंट्रोल, और DMADV का मतलब क्या है, डिजाइन मेजर एनालाइज डिजाइन वेरीफाई, ठीक है। तीसरा क्या, फैक्ट एंड डाटा बेस्ड अप्रोच, जो स्टैटिस्टिकल और मेथोडिकल मेथड क्या शो करते हैं, साइंटिफिक बेसिस बताते हैं टेक्निक का। प्रोजेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड फोकस, 6 सिग्मा प्रोसेस जो इम्प्लीमेंट किया जाता है इसमें फोकस किस पे दिया जाता है, रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशंस पे। कस्टमर फोकस, 6 सिग्मा अप्रोच का मेन जो फोकस है वो क्या है, कस्टमर फोकस, ठीक है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और कंट्रोल स्टैंडर्ड्स वो किस पे बेस्ड होते हैं, स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वायरमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। और लास्ट होता है टीम वर्क अप्रोच टू क्वालिटी मैनेजमेंट। 6 सिग्मा प्रोसेस जो है वो क्या करता है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइज्ड है फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए,